देश भर में किसानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के आधार पर C2+ 50% सूत्र के अनुसार समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले बुधवार को दुर्ग के पटेल चौक पर एकत्र किसानों ने अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद की। इस दौरान सभी किसानों द्वारा नारेबाजी करते हुए दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर नाराजगी जताई गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के आधार पर C2+ 50% सूत्र के अनुसार कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण और इसके लिए गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर किसान संगठनों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन साथ है और केंद्र सरकार के इस रवैये से आक्रोशित सभी किसान द्वारा काली पट्टी लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस संबंध में कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 13 तारीख से देश के अनेक किसान संगठन स्वामीनाथन आयोग के अनुशंसा के अनुसार C2+ 50% प्रॉफिट के फार्मूले से उपजों का MSP निर्धारित करने और इससे कम में देश में खरीदी ना हो इसके लिए गारंटी कानून बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर के 13 तारीख से देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा बॉर्डर में केंद्र की भाजपा सरकार, हरियाणा की भाजपा सरकार, इन दोनों सरकारों ने मिल करके किसानों को हरियाणा के बॉर्डर पर रोक दिया है। इनके रास्ते में लोहे के खीले लगाए गए हैं, पत्थर के बैरिकेड, लोहे के बैरिकेड, सड़क खुदाई कर दिए हैं इन्होंने। इसके अलावा इतिहास में पहली बार किसी आंदोलन में ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए गए हैं और रबर की गोलियां किसानों पर बरसाई गई है। तो ये मोदी सरकार और खट्टर सरकार हरियाणा के, इनके जो दमन है किसानों पर, इसके विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ काला फीता लगा करके प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से सरकार 2014 में जब मोदी सरकार आई तो पहला हमला इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में 3 संशोधन अध्यादेश लाए थे। मकसद था किसानों का जमीन छीनना। तो शुरुआत के साल में ही 3-4 महीने के अंदर इन्होंने किसानों पर हमला करना चालू किया। बाद में 3 कानून इन्होंने बनाया था किसानों से ज़मीन छीन करके कारपोरेट को देने के लिए, उसके खिलाफ़ भी किसानों ने 14 महीने आंदोलन किया था। तो ये जो दमन पिछली बार भी इन्होंने दमन किया था, जगह जगह अवरोध पैदा किए थे, और इस बार तो उससे भी आगे बढ़ करके ड्रोन से हमला और रबर की गोलियां बरसाने का काम इन्होंने किया है। मोदी जी ने कहा था तपस्या में मेरी कहीं कोई कमी हो गई थी पिछली बार, तो लगता है कि ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसा करके और रबर की गोलियां किसानों पर दाग करके जो तपस्या अधूरी थी पिछली बार की, उस तपस्या को पूरी कर रहे हैं। किसानों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है MSP के लिए और स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और साथ ही साथ उसके खरीदी की गारंटी भी होनी चाहिए, तो इसके लिए किसानों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसको सरकार द्वारा और उसको असफल करने के लिए विभिन्न प्रकार के, जैसे कांटे गड़ाना, खिला गड़ाना और ड्रोन से ये गोली गिरा रहा है, ये उचित नहीं है। किसान जो है आज हर संगठन अपनी मांग के लिए लड़ता है, किसान भी लड़ रहा है, इसको सहजता से स्वीकार करना चाहिए और हम लोग इसी के समर्थन में आज काली पट्टी लगा करके दुर्ग में आज आए हैं। पूरे देश में किसान जो है वो विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत है। उसमें मुख्य मांग है MSP की गारंटी कानून और MSP का निर्धारण जो है स्वामीनाथन आयोग के अनुशंसा के अनुरूप C2+ 50 के हिसाब से करने का। ये दो मुख्य मांगे हैं और भी अन्य मांगे हैं जिसको लेकर पूरे देश में किसान आंदोलनरत है और सारे किसान जो है वो दिल्ली तक पहुंचना चाहते हैं, मोदी जी के सामने, मोदी सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है उनको दिल्ली प्रवेश करने नहीं दे रही है, उनके रास्ते पर बहुत सारे रोड़े अटका रही है। ये किसानों के साथ में इस तरह का रवैया जो सरकार अपना रही है ये ठीक नहीं है। सारे देश के किसान आज हम एक हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश में किसानों द्वारा काली पट्टी लगा के इस बात का विरोध दर्ज किया जा रहा है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।